नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोमित शाह और आप देख रहे सोमित टेक्निकल यूट्यूब चैनल जापान में टेक्निकल वीडियोस आप लोगों के साथ डेली शेयर करता हूं। आज की इस टेक न्यूज़ के एपिसोड में भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, तो इस वीडियो जरूर अंत तक देखें। और हम बताते हैं आज के फर्स्ट न्यूज़ की तरफ और शुरू करते हैं आज का टेक न्यूज़ का एपिसोड। हमारे फर्स्ट न्यूज़ सैमसंग की तरफ से। सैमसंग इंडिया ने अभी एक ट्वीट करके टीज किया है कि सैमसंग जो नया एफसीज का मटेरियल रहता है, ये असल में एग्जिस्ट करता है और इसका हैशटैग होगा फुल ऑन और इस से बहुत जल्दी इंडिया में लॉन्च हो सकता है। इसके अलावा रिसेंटली कुछ रिपोर्ट से पता चल रहा है ये जो सैमसंग का नया एफसीज आएगा, इसका फर्स्ट स्मार्टफोन होने वाला है सैमसंग गैलेक्सी F41 और ये इंडिया में अंडर 30,000 रुपीज़ के पासवर्ड में लॉन्च होगा और इस से इंडिया में अक्टूबर मंथ में या फिर सेप्टेबर मंथ के लिए इनकी तरफ लॉन्च हो सकता है। इसके अलावा रिसेंटली टिप्सर ईशान अग्रवाल ने ट्विटर के ऊपर इस सैमसंग गैलेक्सी F41 का एक स्कीमेटिक को शेयर किया है और टिप्सर ने बताया इस सैमसंग गैलेक्सी F41 का मॉडल नंबर होने वाला है SM F415F और आप लोगों को एमोलेड डिस्प्ले देखने मिलेगा और USB टाइप सी पोर्ट के द्वारा फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी देखने मिलेगा। इसके अलावा स्कीमेटिक ऐसे पता चलता है इस सैमसंग गैलेक्सी F41 में आप लोगों को फ्रंट में एक वाटर नॉच वाला डिस्प्ले देखने मिलेगा, इसे बॉटम साइड में आप लोगों को USB टाइप सी पोर्ट मिलेगा, स्पीकर ग्रिल मिलेगा और 3.5mm और जैक भी देखने मिल जाएगा और आप लोगों को ईयरपीस में एक और स्पीकर देखने मिल जाएगा, तो साथ ही आप लोगों को डुअल स्टीरियो स्पीकर देखने मिल जाएगा। इसमें आप लोगों को लेफ्ट साइड में एक सिम कार्ड ट्रे देखने मिल जाएगा और राइट साइड में वॉल्यूम बटन देखने मिल जाएगा और उसके नीचे आप लोगों को राइट साइड में ही पावर बटन देखने मिल जाएगा। इस आप लोगों को बैक साइड में टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे एक रेक्टेंगुलर शेप कैमरा मॉड्यूल के अंदर ट्रिपल लेयर कैमरा सेंसर देखने जाएगा विद LED फ्लैश और आप लोगों को रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने मिल जाएगा। इसके अलावा टिप्सर ईशान अग्रवाल ने उसने उसके पहले एक ट्वीट करके बताया था ये जो सैमसंग का नया गैलेक्सी F41 लॉन्च होगा इसमें आप लोगों को दो स्टोरेज का ऑप्शन देखने मिल जाएगा, आप लोगों को ग्रीन, ब्लैक और ब्लू, ये तीन कलर ऑप्शन देखने मिल जाएगा। और रिसेंटली सैमसंग के स्मार्टफोन को गीकबेंच पर स्पॉट किया गया था इस मॉडल नंबर ऑफ SM F415F और बताया जाता है ये स्मार्टफोन ये मॉडल नंबर होने वाला है सैमसंग गैलेक्सी F41 का। ये जो गीकबेंच है इसे उस बात पर पसंद था ये सैमसंग गैलेक्सी F41 होगा, इस आप लोगों को 1096 वाला प्रोसेसर देखने मिलेगा, 6GB रैम मिलेगा और एंड्रॉइड 10 देखने मिल जाएगा। और उससे पहले गैंटोन मॉडल के एक रिपोर्ट से पता चल रहा था ये जो सैमसंग का नया एफसीज आएगा इसका इंडिया में प्राइस रेंज होने वाला है 15,000 रुपीज़ से 20,000 रुपीज़ के बीच में और ये मेनली कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन होने वाला है। तो जब भी हमें इस सैमसंग गैलेक्सी एफसीज के बारे में या फिर जो F41 है इस स्मार्टफोन के बारे में और कोई एड्रेस पता चलेगा मैं अपने टेक्निकल आप लोगों को इसके बारे में सारे एड्रेस दे दूंगा। हमारे सेकंड न्यूज़ गूगल की तरफ से। गूगल ने रिसेंटली उनके एंड्रॉइड 11 का अनाउंस किया था और फाइनली ये जो एंड्रॉइड 11 का अपडेट है इंडिया में भी रोल आउट होना शुरू हो चुका है गूगल पिक्सल 2 और उसके बाद के जितने भी पिक्सल के स्मार्टफोन से उनके लिए। और ये जो अपडेट है ये ग्लोबली रोल आउट होना शुरू हो चुका था अनाउंस होने के बाद ही, लेकिन ऐसे कुछ इशूज़ के कारण ये देश से इंडिया में रोल आउट होना शुरू हुआ लेकिन फाइनली इंडिया में भी आ चुका है। ये जो एंड्रॉइड 11 का अपडेट है इसके द्वारा आप लोगों को ऑब्वियसली एंड्रॉइड 11 तो देखने मिलते हैं, उसके बाद आप लोगों को एक डेडिकेटेड स्पेस देखने मिलता है कॉन्वर्सेशंस के लिए। इसके अलावा आप लोगों को एक नया बबल्स का फीचर देखने मिलता है, उसके बाद आप लोगों को बिल्ट इन स्क्रीन रिकॉर्डिंग का फीचर भी देखने मिलता है। इसके अलावा आप लोगों को एक नया डिजाइन का मीडिया कंट्रोल देखने मिलता है, उसके बाद अपडेटेड पावर मेनू देखने मिलता है, वन टाइम परमिशन का फीचर देखने मिलता है, इसके अलावा ऑटो रीसेट परमिशन का फीचर भी देखने मिलता है और आप लोगों को एक्सक्लूसिवली पिक्सल के स्मार्टफोन्स के लिए कुछ फीचर्स भी देखने मिल जाता है। तो अगर आपके पास गूगल पिक्सल 2 या फिर उसके बाद में कोई भी पिक्सल का स्मार्टफोन है तो जाकर अपने सेटिंग्स में से सॉफ्टवेयर अपडेट चेक कीजिए और अगर आपको अपडेट मिलता है तो जरूर अपडेट कर लीजिए और अगर आपको अभी तक नहीं मिला तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आपको भी बहुत जल्दी मिल जाएगा। सेनाइजर की तरफ से। सेनाइजर CX400BT इस वायरलेस ईयरबड्स को सेनाइजर ने इंडिया में लॉन्च कर दिया है और ईयरबड्स इंडिया में 16,980 रुपीज़ से पर्सनल लॉन्च है और इसमें आप लोगों को ब्लैक और व्हाइट ये दोनों कलर ऑप्शन देखने जाता है और इस ईयरबड्स का ऑलरेडी इंडिया में प्रियोडर चालू हो चुका है और इसे प्रियोडर चलेगा 27 सितंबर तक और इसका इंडिया में सेल स्टार्ट होने वाला है 20 सितंबर से। इसके अलावा अगर आप इसे प्रियोडर या फिर खरीदने जाते तो ये अवेलेबल है अमेजन इंडिया, फ्लिपकार्ट, टाटा क्लिक, उसका जो सेनाइजर का इंडिया का वेबसाइट है यानी कि en-in.sennheiser.com से। इसके अलावा जो सेनाइजर का CX400BT 12S ईयरबड्स इसमें आप लोगों को 7mm का डायनामिक ड्राइवर देखने मिलता है और ये सेम ड्राइवर है जो आप लोगों को सेनाइजर का मोमेंटम 12S2 में देखने मिलता है, लेकिन आप लोगों को कोई भी एक्टिव वॉइस कैंसिलेशन देखने नहीं मिलता, लेकिन आप लोगों को ब्लूटूथ वर्जन 5.1 का कंट्रीब्यूटर देखने मिलता है, उसके बाद आप लोगों को SBC AC और APTS का कोड का सपोर्ट देखने मिलता है, उसके बाद टच कंट्रोल देखने मिलता है और ईयरबड्स बहुत कंफर्टेबल है iOS और एंड्रॉइड दोनों के लिए और आप इस ईयरबड्स को कस्टमाइज और कंट्रोल कर पाएंगे सेनाइजर स्मार्ट कंट्रोल ऐप से और ये ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों में ही। इसके अलावा जो ऐप है एक कंफर्टेबल है एंड्रॉइड वर्जन 7.0 या फिर उसके बाद के एंड्रॉइड वर्जन से या फिर iOS वर्जन 11.0 या फिर उसके बाद के iOS वर्जन से। इसके अलावा इसमें आप लोगों को गूगल असिस्टेंट और एप्पल सीरी का वॉइस असिस्टेंट का भी सपोर्ट देखने मिल जाता है, उसके बाद हर एक ईयरबड्स का वेट है 6 ग्राम्स और इस ईयरबड्स का चार्जिंग के साथ टोटल वेट है 49 ग्राम्स। उसके बाद कंपनी के क्लेम के मुताबिक इस ईयरबड्स में आप लोगों को सिंगल चार्ज पे अप टू 7 आवर्स का बैटरी लाइफ देखने मिल जाएगा और टोटल आप लोगों को चार्जिंग के साथ अप टू 20 आवर्स का बैटरी लाइफ देखने मिल जाएगा। इसके अलावा ये ईयरबड्स चार्ज होने में टाइम लेता है लगभग 1.5 आवर्स और अगर आप इस ईयरबड्स को 10 मिनट से चार्ज करेंगे तो आप लोगों को 1 आवर का प्लेबैक टाइम देखने मिल जाएगा और ये चार्जिंग के आप लोगों को USB टाइप सी पोर्ट मिलता है चार्जिंग करने के लिए। तो अगर आप ये जो सेनाइजर का CX400BT 12S ईयरबड्स है
इसको खरीदने जाते तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसको खरीद पाएंगे 20 सितंबर से, और उसी लिंक से अभी आप जाके इसको प्री ऑर्डर भी कर पाएंगे। सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी M01s और सैमसंग गैलेक्सी M31 इन दोनों स्मार्टफोन्स के लिए इंडिया में एक नया 1UI 2.9 का अपडेट रोल आउट होना शुरू हो चुका है। जो अपडेट है इसके द्वारा आप लोग इन दोनों स्मार्टफोन्स में ही सेप्टेम्बर 2020 का सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाएगा, और जो सैमसंग गैलेक्सी M01s इसमें आप लोगों को एंड्रॉइड 10 देखो मिलेगा, क्योंकि इसमें आप लोगों को अब तक एंड्रॉइड 9 पाई देखो मिला था, और जो सैमसंग गैलेक्सी M31 इसमें आप लोगों को ऑलरेडी एंड्रॉइड 10 देखो मिलता है, तो इस अपडेट के बाद भी आप लोगों को एंड्रॉइड 10 ही देखो मिलेगा। इसके अलावा इस अपडेट इसके द्वारा आप लोगों को इन दोनों स्मार्टफोन्स में एंड्रॉइड 10 बेस 1UI 2.9 का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, और जिसके द्वारा आप लोगों को क्विक शेयर और म्यूजिक शेयर जैसे फीचर देखने को मिल जाएगा। और जो सैमसंग गैलेक्सी M01s है ये थोड़ा सा लो एंड स्मार्टफोन है, तो इसमें आप लोगों को ज्यादा कुछ तो नया फीचर देखने को मिलेगा कैमरा में, लेकिन जो सैमसंग गैलेक्सी M31 इसमें आप लोगों को कैमरा में सिंगल टेक और माई फिल्टर जैसे फीचर देखने को मिल जाएगा, और जो सैमसंग गैलेक्सी M31 का कैमरा में प्रो मोड है उसमें आप लोगों को शटर स्पीड कंट्रोल का फीचर भी देखने को मिल जाएगा। और जो अपडेट है ये फेजेस में रोल आउट किया जा रहा है, तो एक साथ यूजर्स को नहीं मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे सभी यूजर्स को मिल जाएगा। तो अगर आपके पास सैमसंग गैलेक्सी M01s या फिर सैमसंग गैलेक्सी M31 इन दोनों में से कोई भी स्मार्टफोन है, तो अगर अपने सेटिंग्स में से सॉफ्टवेयर अपडेट एक बार चेक कीजिए, और अगर आपको ये अपडेट मिलता है तो जरूर अपडेट कर लीजिए, और अगर आपको अभी तक नहीं मिला तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आपको भी बहुत जल्दी मिल जाएगा। ओप्पो की तरफ से ओप्पो एनको W31, ओप्पो एनको W11 और ओप्पो एनको M31 इन तीन ईयरफोन्स का भी इंडिया में प्राइस 500 रुपीज़ घट चुका है। इसमें जो ओप्पो एनको W31 और ओप्पो एनको W11 है इन ये दोनों ट्रू वायरलेस ईयरबड्स है, और जो ओप्पो एनको M31 है एक नेकबैंड स्टाइल वायरलेस ईयरफोन्स है। इसमें जो ओप्पो एनको W11 है इसका भी प्राइस करके बाद नया प्राइस है 1,910 रुपीज़, और जो ओप्पो एनको W31 है इसका भी प्राइस करके बाद नया प्राइस है 3,410 रुपीज़, और जो ओप्पो एनको M31 है इसका भी प्राइस करके बाद नया प्राइस है 1,910 रुपीज़। और अगर आप अभी जाके अमेजन इंडिया और फ्लिपकार्ट के ऊपर चेक करेंगे तो आप लोगों को नया प्राइस देखने को मिल जाएगा इन तीन ईयरफोन्स का। इसमें जो ओप्पो इनको W11 है इस आप लोगों को 8mm का डायनेमिक ड्राइवर देखने को मिलता है, उसके साथ USB टाइप सी पोर्ट मिलता है चार्जिंग करने के लिए, उसके साथ ब्लूटूथ वर्जन 5.0 मिलता है, इसके अलावा AC ब्लूटूथ पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिलता है, IP58 का वाटर नॉइस रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, और आप लोगों को नॉइस कैंसिलेशन टेक्नोलॉजी का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आप लोगों को सिंगल चार्ज पे अप टू 5 आवर्स का बैटरी लाइफ देखने को मिल जाएगा, और आप लोगों को टोटल चार्जिंग के साथ अप टू 20 आवर्स का बैटरी लाइफ देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जो ओप्पो इनको W31 है इसमें आप लोगों को 7mm का डायनेमिक ड्राइवर देखने को मिल जाता है, USB टाइप सी पोर्ट के द्वारा चार्जिंग का मौका देखने को मिल जाता है, ब्लूटूथ वर्जन 5.0 मिलता है, उसके बाद इसमें आप लोगों को जो नॉइस कैंसलिंग है उसके लिए इस आप लोगों को एनवायरमेंटल नॉइस कैंसलेशन देखने को मिल जाता है, और उसके बाद एंटी विंड नॉइस टेम्बर भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा इसमें भी आप लोगों को AC ब्लूटूथ कोटे का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, उसके बाद इसमें आप लोगों को सिंगल चार्ज पे अप टू 3.5 आवर्स का बैटरी देखने को मिल जाएगा, और इसमें आप लोगों को टोटल चार्जिंग के साथ अप टू 15 आवर्स का बैटरी देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आप लोगों को IP54 का वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस देखने को मिल जाता है, और जो ओप्पो इनको M31 है ये इसमें आप लोगों को 9.2mm का डायनेमिक ड्राइवर देखने को मिलता है, उस साथ इसमें आप लोगों को USB टाइप सी पोर्ट मिलता है चार्जिंग करने के लिए, इसके अलावा ब्लूटूथ वर्जन 5.0 मिलता है, और आप लोगों को LDAC ब्लूटूथ कोड का सपोर्ट देखने को मिलता है, और आप लोगों को AI बेस्ड नॉइस रिडक्शन टेक्नोलॉजी देखने को मिलता है, और आप लोगों को सिंगल चार्ज पे अप टू 12 आवर्स का बैटरी लाइफ देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप ओप्पो इनको W11, ओप्पो इनको W31 या फिर ओप्पो इनको M31 इनमें से कोई भी ईयरफोन को खरीदना चाहते तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दूंगा, वहाँ से आप इसको खरीद पाएंगे। तो हमारा आज के इस वीडियो बस इतना ही था, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कर दे, और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद उस साइड पर जो बेल आइकन है उसे क्लिक कर लीजिएगा, उसके बाद ऑल को सेट कर लीजिएगा ताकि आपको मेरे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए जब हम वीडियो अपलोड करते हैं। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन मैसेज है तो नीचे कमेंट जरूर करें, और बाहर जो कोरोना वायरस की सिचुएशन है उसे अपने घर में रहिए और सेफ रहिए, और अगर किसी भी जरूरत से बाहर निकलते तो जरूर मास्क पहनिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी पॉजिटिव एंड हैप्पी।